मलेशिया दुनिया की उन जगहों में से है जहां बहुत सारे इंडियंस हर साल घूमने जाते हैं। मलेशिया उन इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में से है जहां पर आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं और घूम सकते हैं, और अभी प्रेजेंट 2024 में तो मलेशिया जाने का कोई वीजा भी नहीं लगता। हालांकि मलेशिया उन देशों में से है जहां पर इंडियंस के लिए खाने पीने के लिए थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि किसी दूसरे देश में जाके हम लोग वेजिटेरियन खाना जरूर ढूंढते हैं, और अगर हम नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो हम ऐसा कुछ खाने को ढूंढते हैं जो कि हम आसानी से खा सकें। और मलेशिया उन देशों में से है जहां का ऑथेंटिक फूड काफी सारे इंडियंस को समझ नहीं आता, इसलिए मलेशिया घूमते समय एक इंडियन होने के नाते आप कहां कहां खा सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मलेशिया और उसके कैपिटल कुआलालंपुर में टॉप प्लेसेस टू ईट फॉर इंडियंस के बारे में। जी हाँ, ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां आपको अच्छा वेजिटेरियन खाना मिल सकता है, या फिर कौन कौन सी मलेशिया की अच्छी खाने पीने की जगह है जो आपको जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो या फिर वेजिटेरियन। हम आपको कुछ ऐसे रेस्टोरेंट दिखाएंगे जहां आप जाकर एक बजटेड अमाउंट में एक बहुत अच्छी मील खा सकते हैं, कुछ ऐसी जगहें बताएंगे जो मलेशिया की सबसे फेमस स्ट्रीट्स मानी जाती हैं खाने पीने के लिए, और कुछ नई चीजें भी ट्राई करेंगे जो कि मलेशिया में हम खा पी सकते हैं। तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन जिसके बाद आप दबा सकते हैं घंटे का निशान। इस वीडियो में डिस्कस की गई सारी जगहों की एग्जैक्ट मैप लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल मैप के लिंक पे मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहले आता है मलेशिया की सबसे फेमस फूड स्ट्रीट नंबर 1 जलन एलोर। तो गाइस, अगली जगह जो हम कुआलालंपुर में खाने पीने के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है यहाँ की सबसे फेमस फूड स्ट्रीट जहाँ पर मैं अभी चल रहा हूँ। इस जगह का नाम है जलन एलोर। कुआलालंपुर के बुकिट बिटांग के पास पड़ती है ये जगह जलन एलोर, और यहाँ पर आपको भैया कुआलालंपुर का हर तरीके का खाना, मतलब सारा मलेशियन खाना खाने को मिल सकता है। हम यहाँ पर आए हैं ढूंढने कि क्या इंडियंस लोग यहाँ पर आके अच्छा खाना खा सकते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन खाना हो या नॉन वेजिटेरियन। तो आज इस पूरी स्ट्रीट को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे यहाँ पे खाने को क्या क्या मिलता है और क्या हम यहाँ पे आके खा सकते हैं या नहीं। पूरे कुआलालंपुर में, जो कि मलेशिया की कैपिटल है, अच्छे खाने की कमी नहीं है, और उन्हीं सब अच्छी जगहों में से एक अच्छी जगह है कुआलालंपुर का जलन एलोर, जिसे एलोर स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह पर आप खाने पीने के छोटे छोटे स्टॉल, स्ट्रीट फूड और आउटडोर रेस्टोरेंट्स देखेंगे। यहाँ पर आपको बनता दिखेगा फ्रूट सैलेड, फ्रूट शेक, डम्पलिंग यानी कि फ्राइड मोमोज, नारियल पानी, फ्राइड स्नैक्स और ऐसे बहुत सारी तरीके के स्ट्रीट फूड। जलन एलोर की ये स्ट्रीट फैली है तकरीबन आधा किलोमीटर तक, जिसके चारों तरफ आपको 200 से ज्यादा स्ट्रीट फूड के स्टॉल और परमानेंट रेस्टोरेंट की एस्टेब्लिशमेंट मिलेगी। भाई जलन एलोर आए हैं यहाँ पर, ये सिर्फ फूड मार्केट नहीं है भाई, ये फूड की दूसरी ही दुनिया लग रही है। मतलब मैं आपको बताऊं कि जैसे इंडिया में कभी ट्रेड फेयर लगता है ना, और वहाँ पे कोई फूड कोर्ट लगता है जहाँ पे अलग अलग स्टेट का खाना मिलता है और बहुत सारे जने बैठ के एक साथ खा रहे होते हैं, ये कुआलालंपुर का परमानेंट फूड कोर्ट है वो। मैंने इसके बारे में ये भी सुना है कि टाइम पे यहाँ की सबसे बड़ी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट थी और अब ये यहाँ का सबसे बड़ा बिजीएस्ट फूड स्ट्रीट बन चुकी है। एक्सप्लोर तो मैं यहाँ पर करने आया था कि यहाँ पर इंडियन फूड मिले, और लेकिन इंडियन फूड का मुझे यहाँ पे नामो निशान नहीं दिख रहा। हालांकि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरीके की फूड है यहाँ पे, लेकिन मोस्टली यहाँ के लोकल्स यहाँ पे ज्यादा खा पी रहे हैं, और मलेशियन लोगों का लोकल खाना सी फूड होता है, तो मुझे मोस्ट ऑफ जिस जगह पे यहाँ पे सी फूड दिख रहा है। जो वेजिटेरियन इंडियंस है वो शायद यहाँ पे आके खाना पसंद नहीं करेंगे, घूमने के लिए आ सकते हैं लेकिन यहाँ बैठ के, यहाँ पे बहुत स्मेल आ रही है चिकन की और सी फूड की, इस वजह से आपको शायद यहाँ पे बैठ के खाना पसंद ना आए। जी हाँ, जलन एलोर जाने के बाद हम एक बात से तो डिसअपॉइंट हुए कि वहाँ पर कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट हमें नहीं दिखा। हालांकि वहाँ पर वेजिटेरियन फूड जरूर अवेलेबल था। जलन एलोर कुआलालंपुर की उन जगहों में से है जो कि एक्सप्लोर करना बिल्कुल बनता है, लेकिन यहाँ आने के बाद आप क्या खाएं वो आपको यहाँ आने के बाद ही डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे कि हमने किया। जलन एलोर के बड़े बड़े फूड स्टॉल में से एक फूड स्टॉल सेलेक्ट करके हमने ट्राई किया वहाँ का स्पेशल मैंगो शेक। What do you put in it? Mango and milk? No, mango and ice. Mango and ice, okay. We drink, no? तो गाइस, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी और नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा फूड मिला, वेजिटेरियन भी है लेकिन फ्रूट ज़्यादा अच्छे मिले। तो मैंने एक मैंगो स्मूदी ले लिया, 12 रिंगित की पड़ी, यानी कि 240 रुपए का ये शेक पड़ा है मुझे, तो आई एम श्योर अच्छा होगा। मैंगो के साथ रखा, देखा कि मैंगो के साथ वो ग्रीन कलर के, ऑरेंज कलर के राइस का एक मील बना के दे रहे थे, मतलब राइस और मैंगो और साथ में कोई चटनी दे रहे थे। यहाँ पे मलेशिया की कोई अच्छी स्वीट डिश डेजर्ट होता होगा वो, या फिर एक डिश बना के देते होंगे, मैंने ट्राई नहीं करी क्योंकि मुझे आई डोंट थिंक मैं चावल के साथ मैं आम खा पाऊंगा, लेकिन शेक जरूर पी सकता हूँ। वैसे तो
स्विट्जरलैंड एलोर 24 घंटे खुला होता है, लेकिन यहाँ पे डिनर के समय आना सबसे बढ़िया होता है। यहाँ के छोटे छोटे स्ट्रीट स्टॉल लगने शुरू हो जाते हैं शाम 4 से 5 बजे तक। हालांकि यहाँ के परमानेंट रेस्टोरेंट आपको हमेशा खुले मिलेंगे। जलन एलोर आने के लिए आप कुआलालंपुर के फेमस सिटी सेंटर बुकित बितांग से पैदल भी आ सकते हैं, और बुकित बितांग तक आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके आ सकते हैं, जैसे कि कुआलालंपुर की मेट्रो या फिर बस सर्विस। नंबर 2, बनाना लीफ प्लेटर एट नाचियार लिटिल इंडिया। तो गाइस, हमारी अगली जगह है नाचियार। अब अगर भाई आप इंडियंस हो तो आपको इंडियन खाना तो खाना ही है, और नाचियार एक रेस्टोरेंट है जो कि कुआलालंपुर के लिटिल इंडिया वाले इलाके में पड़ता है। जी हाँ, कुआलालंपुर में एक इलाका है लिटिल इंडिया, जैसे चाइना टाउन है वहाँ पे आपको चाइनीज कल्चर देखने को मिलेगा, ऐसे लिटिल इंडिया में आपको इंडियन कल्चर देखने को मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन हमने एक शॉर्टलिस्ट करा है नाचियार, जिसमें हमें बनाना लीफ प्लेटर मिलती है कि केले के पत्ते पे हमें सब कुछ सजा के मिलता है। सिर्फ 10 रिंगेट में हमें फुल प्लेट मिलती है, जिसमें आपको राइस, रोटी, सब्जी, एक मीठा और ड्रिंक भी मिलती है। तो हम वही ट्राई करने वाले हैं क्या क्या है इसमें और कितना टेस्टी है। आई थिंक हमारा एक लंच के लिए तो ये बहुत होगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ जरूरत पड़ी तो बिरयानी मंगा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अंदर चलते हैं, लेट्स सी। कुआलालंपुर के लिटिल इंडिया एरिया में पड़ता है एक बहुत ही बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है नाचियार। ये रेस्टोरेंट आपको इंडियन कजिन सर्व करता है, जहाँ पर आपको बनाना लीफ प्लेटर मिल सकती है, जो कि एक फुल वेजिटेरियन प्लेटर है, जिसमें आपको अनलिमिटेड खाना मिलेगा आपकी चॉइस का। इसी के साथ साथ अगर आप नाचियार का मेन्यू देखेंगे तो आपको उसमें अलग-अलग ऑप्शंस भी बहुत सारे मिलेंगे, जिसमें वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और सी फूड के ऑप्शंस भी होंगे। इनफैक्ट नाचियार का एक ब्रेड्स का अलग से मेन्यू है, जिसमें आपको हर तरीके की इंडियन ब्रेड भी खाने को मिलेगी। और हमने डिसाइड किया कि हम इस रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करेंगे यहाँ की बनाना लीफ वेज प्लेटर। तो गाइस, नाचियार में आके बैठ चुके हैं और हमने जो ऑर्डर किया है वो है बनाना लीफ सेट, और इसमें हमको सिर्फ प्योर वेजिटेरियन खाना मिलेगा, जिसमें हमको 3 सब्जियां मिलेंगी, एक करी मिलेगी और सिर्फ चावल मिलते हैं। इसमें रोटी नहीं होती, अगर हमको रोटी ऑर्डर करनी है तो अलग से करनी पड़ेगी। साथ में अचार, रसम और मीठा सब कुछ मिलेगा। इस रेस्टोरेंट की बनाना लीफ थाली यहाँ का सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके एक मील के लिए। इस थाली में आपको आपका खाना परोसा जाता है एक बनाना लीफ पर, जिसमें आपको मिलते हैं 2 चटनी, 3 तरीके की वेज सब्जियां, एक स्वीट डिश, चावल, एक करी जिसमें आप पनीर या दाल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और साथ में मिलता है पापड़। ड्रिंक में आपको वो सर्व करते हैं छाछ या पानी, और इस बनाना लीफ थाली में आप जितना मर्जी चाहे उतना खा सकते हैं। खत्म होने के बाद इस थाली में फ्री रिफिल अवेलेबल है। तो गाइस, हमारी बनाना लीफ प्लेटर आ चुकी है। इसमें हमें क्या क्या मिला है? हमें सबसे पहले मिला है आम का अचार, आम के अचार के साथ पुदीना की चटनी और जलेबी मिली है स्वीट में। 3 सब्जियों में है हमारी भिंडी, पत्ता गोभी और बैंगन की सब्जी। साथ में राइस मिले हैं और करी, उसके ऊपर हम डाल सकते हैं कोई भी जो हम चाहें। और साथ में मिला है पापड़, इसके साथ मिली है कि रसम, और इस तरीके से पूरी होती है हमारी प्लेटर। तो खा के बताते हैं कैसी लगी हमें, क्या इंडियन जैसा टेस्ट है या फिर उससे अलग। तो भाई, खाना मैंने खा लिया है, अभी मुझे अपना टेबल नंबर बताना है और पेमेंट करनी है। एक्सक्यूज मी सर, टेबल नंबर 9। 1 बनाना लीफ सर, राइट? यस। 9 रिंगिट 50 सेंट। तो गाइस, खाली हमने भी बनाना लीफ थाली, वेजिटेरियन बनाना लीफ थाली खा ली है हमने, बहुत ही अच्छी लगी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ही बढ़िया थी, आई मीन 10 out of 10 दे देंगे या भैया ऐसी कभी नहीं खाई। नहीं भाई, इससे काफी अच्छी आपको इंडिया में मिल जाएगी। लेकिन जब आप मलेशिया कुआलालंपुर घूमने आए हुए हैं और वहां पर आपको ऐसी थाली मिल जाए तो वो आपके लिए किसी 56 भोग से कम नहीं होता। तो आप पेट भर के खा पाते हो, अपने मन का खा पाते हो, दैट इज द बेस्ट पार्ट। आप चलिए यहाँ से चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन। नाचियार की बनाना लीफ प्लेटर आपको पड़ती है तकरीबन 10 रिंगिट में, जो कि होते हैं इंडियन रुपीज में 200 रुपए। और ये रेस्टोरेंट आपको कुआलालंपुर के लिटिल इंडिया एरिया के आसपास मिलेगा। लिटिल इंडिया एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है कुआलालंपुर की, तो उसे घूमते समय आप इस रेस्टोरेंट में आके खा सकते हैं। नंबर 3, सवर्णा भवन एंड सिमिलर रेस्टोरेंट। तो गाइज, हमारी अगली जगह है वर्ल्ड का नंबर 1 वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। हम इंडियंस के लिए जन्नत है जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, वो है स्वर्ण भवन रेस्टोरेंट। भाई, ये हमें हर कंट्री में मिल जाता है, मतलब साउथ एशियन कंट्रीज में तो मिल ही जाता है हर जगह पर। यहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन खाना मिलता है, साउथ इंडियन वेजिटेरियन, राइस, सांबर, डोसा, इडली और ये सब मिलता है। और हमें लकी अपने होटल के पास ही स्वर्ण भवन दिख गया है। हालांकि हमें अभी स्वर्ण भवन नहीं जाना, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए दिखाया है कि स्वर्ण भवन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम जाएंगे उसके बगल वाले रेस्टोरेंट में, क्योंकि स्वर्ण भवन में मैंने बहुत बार खाया है। अब स्वर्ण भवन जैसा उसके बगल वाला रेस्टोरेंट है जो काफी सस्ता है, तो लेट्स ट्राई दैट कि उसका खाना कैसा है। और बहुत ही सस्ते में है और एकदम स्ट्रीट फूड की तरह है, और उसका नाम है कादर। तो लेट्स गो टू कादर एंड हैव अ डिनर। जी हाँ, सवर्णा भवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि हर वेजिटेरियन खाने वाले के लिए जन्नत है। ये आपको ऑलमोस्ट हर कंट्री में मिल जाएगा, और मलेशिया के कुआलालंपुर में ये सवर्णा भवन पड़ता है चाइना टाउन के एरिया के पास। इनफैक्ट इस एरिया में आपको सिर्फ एक इंडियन रेस्टोरेंट नहीं बल्कि कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे, जैसे कि आपको लिटिल इंडिया में दिखे थे। और क्योंकि हम सवर्णा भवन पे पहले भी खा चुके हैं, तो हमने डिसाइड किया कि हम इस बार खाएंगे एक दूसरे इंडियन रेस्टोरेंट में, जिसका नाम था कादर। क्योंकि इस रेस्टोरेंट के प्राइस हमें काफी रीजनेबल लगे और यहाँ
वहाँ पर भी प्राइस के चलते हमने ऑर्डर करनी थी एक प्लेटर, जिसमें एक प्लेटर में ही हमारी पूरी मील हो जाती, और ये ऑप्शन सवर्णा भवन में अवेलेबल नहीं था। तो गाइस कादर आ चुके हैं, कादर रेस्टोरेंट, ये हमारे पास इसका मेन्यू है। जैसे मैंने दिन में बनाना लीफ प्लेटर ली थी, यहाँ पर भी वही वाली लीफ प्लेटर ली है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सब्जी ऑर्डर करके अलग अलग नान रोटी या फिर राइस ऑर्डर करना मेरे लिए महंगा पड़ता खाना का, एक प्लेटर ही सबसे बढ़िया है, यहाँ का टेस्ट भी पता चल जाएगा। तो वही वाली प्लेटर ली है मैंने, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों आते हैं। वेज ही हम क्या लेते हैं, अभी आपको दिखा दो उसके मेन्यू, ऐसे बहुत बड़ा है। मेन्यू में क्या क्या है भाई? कादर रेस्टोरेंट का मेन्यू है, जिसमें आप ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों के लिए बैठ सकते हो। इसमें आपको चाइनीज भी मिलेगा, इंडियन भी मिलेगा, चिकन की बहुत सारी वेरायटी है, कड़ाई चिकन, हैदराबादी चिकन, सब कुछ है। इनफैक्ट यहाँ पर आप मटन और सी फूड भी मिलेगा, और अगेन वेज की यहाँ पे बहुत सारी वेरायटी है, जो भी आपको इंडियन रेस्टोरेंट में दिखता है खाने को वो सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे फिर से वेजिटेरियन स्पेशलिटी, और यहाँ पर आपको स्नैक्स में चाट काउंटर भी है, जैसे पानी पूरी, दही बल्ले और ये सब भी है, और साउथ इंडियन तो है ही, जिसमें डोसा और उत्तपम और वो सब आता है। देन दे हैव ड्रिंक्स और दिन के बेवरेजेस। ओके, थैंक यू। चाइना टाउन के पास कादर रेस्टोरेंट में भी हमने अपनी बनाना लीफ प्लेटर ऑर्डर करी, जिसमें हमें उसी तरीके से तीन सब्जी, राइस, एक करी और बाकी सारी चीजें मिली। हालांकि इस रेस्टोरेंट में सबसे बड़ा फर्क हमें ये लगा, यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स आपकी प्लेट में नहीं बल्कि एक छोटी सी बकेट में लाकर आपकी टेबल पे रख दी जाती है। आपको जितना मर्जी खाना है आप खाएं, और इस तरीके से कोई भी खाना वेस्ट नहीं होता, प्लस आपको सारा खाना गर्मा गर्म सर्व किया जाता है। ये बात इस रेस्टोरेंट की सबसे बेस्ट थी। भैया का सिस्टम थोड़ा अलग है, बहुत ही दूसरा है। यहाँ पे उन्होंने वो केले के पत्ते पे राइस डाल दिया है यहाँ पर, और एक वेजिटेरियन सब्जी दे दी है, और तीनों सब्जियां बाल्टी में लाके रख दी है। मेरे को जो सी चाहिए वो मैं ले लूँगा। क्या बात है। भाई तो कादर में हमने खा लिया। मुझे यहाँ के रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पर खाना अनलिमिटेड है, मतलब अगर आप वो बनाना लीफ वाला प्लेटर लेंगे तो खाना अनलिमिटेड है, और आपको जो पसंद आ रहा है बस वही खाइए, जितना मर्जी चाहे उतना खाइए। जरूरी नहीं है कि आपने जो खरीद लिया है, आपने जो ले लिया है वो खाना जबरदस्ती पड़ जाता है। कई बार हम बाहर आते हैं तो प्लेटर में ऐसी चीजें भी आ जाती है जो हम नहीं खाते, वो फिर क्योंकि हमने खरीद लिया है तो हमें खानी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे देखी कि यहाँ पे ना रोटी और नान का कल्चर है ही नहीं। रोटी और नान अगर आपको चाहिए तो आपको अलग से ऑर्डर करनी पड़ेगी, चाहे आपने कोई सी भी प्लेटर ले रखी हो। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन करी, मटन करी या फिर फिश करी मंगा रहे हैं, करी का मतलब है ओनली करी। अगर आपको उसमें पीसेस चाहिए तो आपको अलग से ऑर्डर करने पड़ेंगे। मतलब अगर आप प्लेटर में अगर आपको लिखा है कि चिकन करी है, मटन करी है, तो उसमें ये एक्सपेक्ट मत करना कि चावलों के साथ आपको करी के साथ पीसेस भी देंगे, नहीं, वो सिर्फ करी देंगे। अगर आपको पीसेस चाहिए तो आपको कुछ अलग से एक डिश ऑर्डर करनी पड़ेगी, जैसे चिकन 65 है, चिकन तंदूरी, तो आपको चिकन मिलेगा। फाइनली जो मैंने प्लेटर ऑर्डर करी थी बहुत अच्छी लगी, पेट भर चुका है, बहुत अच्छा मजा आया, सिर्फ 11 रिंगेट का पड़ा और बहुत अच्छा था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट जगह। अगर आपको कुआलालंपुर के चाइना टाउन के इस एरिया में आना है तो आपको काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें कि कादर रेस्टोरेंट की ये थाली आपको पड़ेगी तकरीबन 11 रिंगट की, जो कि होती है 220 रुपए की, जिसमें अगर आपको रोटी या नान ऑर्डर करनी है तो आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आपको चिकन करी के साथ पीसेस चाहिए तो पीसेस के भी आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। इस जगह की एग्जैक्ट मैप लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल मैप्स के लिंक पे मिल जाएगी। नंबर 4, गेंटिंग हाईलैंड्स। हमारी अगली जगह कुआलालंपुर मलेशिया की उन जगहों में से है जो कि मलेशिया की सबसे बड़ी टूरिस्टिक अट्रैक्शन है। ये है मलेशिया का एक हिल स्टेशन जिसका नाम है जेंटिंग हाईलैंड। जेंटिंग हाईलैंड को अगर मलेशिया का लॉस वेगास बोला जाए तो गलत नहीं होगा। ये मलेशिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट हब है, जहां जाने के लिए आप स्पेशल प्लान बनाते हैं, और ये जगह घूमने में आपको पूरा दिन लगता है। तो जब भी आप जेंटिंग हाईलैंड घूमेंगे तो क्या वहां पे कोई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट अवेलेबल है, और अगर है तो वहां पर आप क्या क्या खा सकते हैं, ये एक्सप्लोर करने हम चल दिए जेंटिंग हाईलैंड। गेंटिंग हाईलैंड कवर करते करते हमें पता चला कि यहाँ पर दो ऐसे इंडियन वेज रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आप आराम से खाना खा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है यहाँ का स्पाइस गार्डन रेस्टोरेंट, जो इंडियन कजीन के साथ वेजिटेरियन खाना भी सर्व करता है, और ये आपको गेंटिंग हाईलैंड के गेंटिंग ग्रैंड होटल के एवेन्यू में मिलेगा। दूसरा इंडियन रेस्टोरेंट जो आपको गेंटिंग हाईलैंड में मिलेगा उसका नाम है वेज स्टॉक वेजिटेरियन, जो कि आपको गेंटिंग हाईलैंड के स्काई एवेन्यू में मिलेगा, जो कि गेंटिंग हाईलैंड रिजॉर्ट में पड़ता है। लेकिन समय और भीड़ के चलते हम इन दोनों में से किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं खा पाए, और वहाँ इतनी भीड़ थी कि हमने गेंटिंग हाईलैंड में एक्सप्लोर किया एक और बर्गर रेस्टोरेंट। तो गाइज हमने फाइनली खाने के लिए ले लिया है, यहाँ पे हमने बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे जिसपे बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा। तो हमने मिस्टर ब्राउन, जो कि KFC और मैकडॉनल्ड्स की तरह लग रहा है, उसमें एक ले लिया है बर्गर और हमारी पूरी की पूरी मील। लेकिन इसमें भी ऑर्डर करने में भी टाइम लगा है और ऑर्डर आने में भी टाइम लगेगा, लेकिन खाना तो है।
तो गाइस हमारा बर्गर की मील आ चुकी है, इसमें हमारे आए हैं बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, अनियन रिंग्स और साथ में कोका कोला मिली है, क्योंकि हमारा नीचे रोप वे जाने का टाइम बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाता हूँ और पहुँचता हूँ नीचे। आई एम श्योर ये भी अच्छा होगा, टेस्टी होगा। गेंटिंग हाइलैंड्स में आपके खाने का खर्चा हो सकता है तकरीबन 20 से 25 रिंगेट पर पर्सन का, जो कि इंडियन रुपीस में होता है 400 से 500 रुपए। हालांकि आपको गेंटिंग हाइलैंड्स में हर कजीन का फूड अवेलेबल मिलेगा। नंबर 5, मैकडॉनल्ड्स। क्यों ना, अगर हम मलेशिया आए हुए हैं, कुआलालंपुर घूम रहे हैं, तो भैया इंडियंस को एक चीज बहुत पसंद है, वो है मैकडॉनल्ड्स। भाई मैकडॉनल्ड्स के बर्गर हम सब खाते हैं और कुआलालंपुर में बहुत सारे मैकडॉनल्ड्स हैं। हमने अज्यूम किया कि ये सेफ होगा कि मैकडॉनल्ड्स में जाके वहाँ का बर्गर ट्राई करें, तो चलिए अपनी अगली जगह जो हमने डिसाइड करी है वो है मैकडॉनल्ड्स। अंदर जाके देखते हैं क्या है इसका मेन्यू, वेज नॉन वेज कैसे कैसे बर्गर है और क्या हम यहाँ पर एक अच्छी मील खा सकते हैं। जी हाँ, मैकडॉनल्ड्स किसी भी देश आप घूमने जाएं आपको ऑलमोस्ट हर जगह मैकडॉनल्ड्स तो मिल ही जाएगा, और ये एक ऐसा मील ऑप्शन होता है जो हम ट्रेवलर्स के लिए शायद सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि पहली चीज मैकडॉनल्ड्स में खाना बहुत जल्दी मिल जाता है, और दूसरी चीज अगर आपके पास समय कम है तो मैकडॉनल्ड्स की मील खाना सबसे किफायती और सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है। तो इसलिए हमने एक्सप्लोर करा कुआलालंपुर का मैकडॉनल्ड्स और देखा कि क्या वहाँ पे कोई वेज बर्गर अवेलेबल है, और अगर नहीं तो नॉन वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस के लिए क्या क्या ऑप्शन है वहाँ पे, जिसमें सबसे पहले हमें पता चला कि कुआलालंपुर के मैकडॉनल्ड्स में जाकर आपको ऑर्डर सिर्फ उसके कियोस्क से ही कर सकते हो और आपका ऑर्डर आने में ज्यादा समय नहीं लगता। दूसरी चीज जो हमने वहाँ नोटिस करी कि मैकडॉनल्ड्स के मेन्यू में वेजिटेरियन बर्गर नहीं था, और अगर आप सेमी वेजिटेरियन हैं तो आप एग बर्गर लेके उसके साथ करी फ्राइज और फ्रेंच फ्राइज का कॉम्बो बनाकर अपनी एक मील पूरी कर सकते हैं। तो गाइस हमारा ऑर्डर आ चुका है मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स के इस ऑर्डर में मैं आपको मैकडॉनल्ड्स के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें बताता हूँ जो मुझे अलग फील हुई कुआलालंपुर में, दिल्ली के मुकाबले, मतलब इंडिया के मुकाबले, जो कुआलालंपुर में अलग है। सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पे लगी, यहाँ पे ना कुछ बर्गर्स एक्स्ट्रा एडेड है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पे नॉर्मल बर्गर होता है, हैम बर्गर, हैम मतलब जिसमें हर तरीके का मीट होता है, चाहे वो चिकन हो, मीट हो, बीफ हो, सब कुछ मिक्स करके हैम बनता है। और अगर आपको चिकन बर्गर लेना है तो आपको अलग से मतलब चिकन बर्गर की कैटेगरी दिखेगी। वेज बर्गर मुझे यहाँ पे नहीं दिखा एक भी, तो अगर आपको वेज बर्गर लेना है तो आप एग बर्गर ले लो और उसमें फ्रेंच फ्राइज लगा के खा लो भाई। दूसरी चीज, यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज के साथ एक करी फ्राइज मिलते हैं। अब ये करी फ्राइज ना बहुत ही देखने में अनियन रिंग्स जैसे हैं, लेकिन है वो पोटैटो रिंग्स, कि मैंने वो करी फ्राइज लिए हैं, ट्राई करते हैं, अलग सी चीज है जो सिर्फ मैंने कुआलालंपुर में देखी और कहीं नहीं देखी। तीसरी चीज, यहाँ के कियोस्क में ऑर्डर करना बहुत आसान है, आप बस अपना ऑर्डर क्लिक करो, सबसे पहले अपने बर्गर सेलेक्ट करो, मील बनानी है तो उसमें मील के लिए आपको पूछ लेंगे, किड्स का अलग मेन्यू है, मील में जब आगे बढ़ोगे तो आपको साइड्स और कोक सेलेक्ट करके फिर फाइनल पेमेंट करनी है, जो कि आप काउंटर पे कर सकते हो बाय कैश। हमने अपने एक बर्गर की मील और एक बर्गर एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि उसके बाद मैं सीधा लंच करने वाला हूँ तो भूख लगे इसलिए। तो आपको खा के बताता हूँ यहाँ के जो करी फ्राइज है वो कैसे थे। तो गाइस हो गया हमारा बर्गर, आपको इसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। मैकडॉनल्ड्स का भैया देखो, मैक चिकन बर्गर जो है ना वो हर जगह ऑलमोस्ट एक जैसा लगता है, चाहे इंडिया में खा लो चाहे बाहर कहीं खा लो, बस मुझे यूरोप का मैक चिकन बर्गर थोड़ा सा ज्यादा टेस्टी लगा, अदरवाइज सब जगह एक जैसा, तो यहाँ भी वैसा ही था। फिलेटो फिश भी सेम ही है, लेकिन यहाँ के जो करी फ्राइज थे वो आप कह सकते हो कि इंडिया में मैकडॉनल्ड्स पे नहीं, लेकिन वैसे पोटैटो वेजेस मिलते हैं ना, कुछ उस तरीके से लग रहे थे। तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो, घूम रहे हो, दिन भर थक गए हो, लंच करने का टाइम कम है, अगले अट्रैक्शन घूमने जाना है, जल्दी खाना है, तो आप कुआलालंपुर में मैकडॉनल्ड्स में खा सकते हो। मैकडॉनल्ड्स आपको पूरे कुआलालंपुर में अलग अलग जगह मिल सकता है, और यहाँ पर आपकी एक जने के मील का खर्चा हो सकता है तकरीबन 20 से 25 रिंगेट का, जो कि इंडियन रुपीस में होता है 300 से 400 रुपए। नंबर 6, कस्तूरी वॉक। सो गाइस हमारी अगली जगह, एक और जगह जहाँ पर आप कुआलालंपुर में अच्छा खाना पीना भी कर सकते हैं, वो है चाइना टाउन का ये कस्तूरी वॉक। जी हाँ, चाइना टाउन का कस्तूरी वॉक चाइना टाउन के सेंट्रल मार्केट के बगल में पड़ता है, और इस जगह पर आपको वॉक करते हुए बहुत सारी चीजें देखने और करने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ के छोटे मोटे खाने के स्टॉल्स आपको ऑफर करते हैं ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड, चाहे आप वेजिटेरियन चाहे नॉन वेजिटेरियन, दोनों सूरत में ये जगह आपको पसंद आएगी। इसी के साथ साथ यहाँ आप यहाँ पे सोवेनियर्स, कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सब कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कस्तूरी वॉक में आने की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पे आपको चलते चलते पता ही नहीं चलेगा आपका पूरा समय कब बीत गया। इसलिए कुआलालंपुर में चाइना टाउन आए तो एक बार कस्तूरी वॉक जरूर आए। जी हाँ, कुआलालंपुर के चाइना टाउन की कस्तूरी वॉक एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट फ्रेंडली फ्ली मार्केट है, जो कि चाइना टाउन के सेंट्रल मार्केट के बगल में पड़ती है। कस्तूरी वॉक एंटर करते ही आपको लगेगा
लगेगा कि वो एक पेडेस्ट्रियन वॉकवे है जिसके दोनों तरफ आपको खाने पीने और शॉपिंग के अलग अलग स्टॉल मिलेंगे। हालांकि कस्तूरी वॉक में इतने स्टॉल नहीं है जितने की जलाल अलोर में थे, लेकिन फिर भी ये जगह आपको चाइनीज कल्चर की फील जरूर देगी। इस जगह पर आपको आउटसाइड सिटिंग भी मिलेगी जहां पर बैठ के आप अपना चाइनीज खाना भी एंजॉय कर सकते हैं। इस जगह पर आपको खाने को मिलेगा एशियन स्नैक्स, फ्रूट्स, शेक्स और खरीदने को मिलेगा अलग अलग तरीके के सोवेनियर्स, क्लोदिंग, शूज एंड वॉचेस। कस्तूरी वॉक आने की कोई फीस नहीं है और ये जगह घूमने में आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। नंबर 7, चाइनीज बुफे। गाइस, हमारी अगली जगह जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, जहाँ पे हम खाना खाने वाले हैं, वो है कुआलालंपुर से 2 घंटे दूर मलक्का, एक हिस्टोरिकल सिटी ऑफ मलेशिया है। उसपे एक चाइनीज बुफे या एक चाइनीज डाइनिंग करने वाले हैं हम, जिसमें हमें कुछ नहीं करना, हम बैठे रहेंगे एक जगह पर और हमें बहुत सारी डिशेज सर्व की जाएंगी और हम सब बैठ के एक साथ खाएंगे। ये आज से पहले मैंने कभी नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा कि एक ना एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या होता है इसमें, वेज डिशेज, नॉन वेज डिशेज सारी है, तो अगर अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो ऐसे बुफे आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अब क्योंकि मलेशिया में हमें एक नई चीज ट्राई करनी थी और मलेशिया घूमना भी था, इसलिए हमने मलेशिया के एक पार्ट मलक्का घूमते समय एक ऐसा टूर बुक कराया जिसमें हमें मिलना था एक चाइनीज बुफे। अब इस चाइनीज बुफे की सबसे खास बात ये थी, आप अपने पूरे ग्रुप के साथ बैठकर अपनी मील एंजॉय करते हैं, जिसमें आपको 7 से 8 मील सर्व करी जाती हैं, जिसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डिशेज भी होती हैं, जिसके साथ आपको डेजर्ट्स एंड ड्रिंक्स भी दी जाती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना मलेशिया का एक ऐसा चाइनीज बुफे ट्राई किया जाए और देखा जाए कि इस बुफे का खाना कितना अच्छा है और क्या हम ये खाना बार बार ट्राई कर सकते हैं या नहीं। सो गाइस, हम चाइनीज बुफे लेने बैठ गए हैं और ये हमें आज 7 डिशेज 7 डिशेज सर्व करने वाले हैं। अब क्योंकि हमारे टूर का पार्ट था तो हमारी बस में जितने भी लोग थे सब साथ में बैठे हैं, 7 से 8 जनों की एक टेबल इन्होंने बना रखी है और एक एक करके चीजें सर्व करेंगे। जैसी आती जाएंगी मैं आपको दिखाता जाऊंगा। ये इस तरीके का चाइनीज बुफे मैंने पहली बार बैठा हूँ ऐसे डाइनिंग में। सबको एक बार बताता हूँ, 7 तरीके की चीजें आएंगी थी, 7 डिशेज में हमने इन्होंने हमें सर्व करी है चावल के साथ। यहाँ पे रोटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो रोटी खाएंगी, ओनली चावल के साथ आपको जो खाना है खाओ। तो उसमें क्या क्या है, एक तो है फ्राइड फिश, एक है करी फिश, इसके साथ हमने चिकन करी दी है जो कि इंडियन की जो चिकन करी है वो यहाँ पर है। तो करी विद प्रॉन्स है और 2 वेजिटेबल है जो कि चाइनीज तरीके से बने हुए हैं और एक पूरा ऑमलेट, जैसे हम इंडिया में ऑमलेट बनाते हैं तो बिना नमक और मसाले को ऑमलेट बना दो, तो उन्होंने ऐसा कर। पर ये हम 8 से 9 जने एक टेबल पर बैठ के खा रहे हैं, सबने एक छोटी सी प्लेट दे रखी है और साथ में ये चाइनीज टी देखिए जो मुझे नॉर्मल चाय की तरह लग रही है, जो सिर्फ पानी में डाल के चाय उबाल दी है बिना दूध बिना चीनी के। खाना इतना बुरा भी नहीं लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है कि यहाँ पर स्पेशली आया जाए खाने के लिए। उन्होंने एक लास्ट में जाते जाते एक डेजर्ट दिया है और ये डेजर्ट हमें, मुझे इंडिया की किसी चुस्की जैसा लग रहा है कि बर्फ के ऊपर इसमें एक सीरम डाला है और नीचे कोकोनट आइसक्रीम है। तो खाके बताता हूँ कैसा है। इसमें ऐसा कर रखा है जैसे नीचे तो डाल रखा है दही, एकदम ठंडी दही है और उसके ऊपर बर्फ डाल के उसके ऊपर एक्चुअली ये शुगर है। अगर हम इंडिया में बात करें तो गुड़ होता है ना, तो पिघला हुआ गुड़ शुगर की तरह डाल रखा है, उसके नीचे बर्फ है और उसके नीचे कोकोनट का पाउडर है और देन दही है। ऐसी डेजर्ट मैंने पहले जिंदगी में कभी नहीं खाई, तो मैं इसमें फर्स्ट है और बुरी नहीं, अच्छी लग रही है, इट्स गुड। My name is Dr. Anuj Bansal. Anuj? Anuj? Bansal. Just Anuj is fine. Anuj. And you are? Okay. May? Oh, that's so cool. Very nice. ओके थैंक यू। तो गाइज, हमारा चाइनीज बुफे और चाइनीज डाइनिंग का जो एक्सपीरियंस है वो हो चुका है। मैं नहीं बोलूंगा बहुत अच्छा था और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत बुरा था, ठीक है, जस्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, ये हो गया। लेकिन ऐसी चीज नहीं है जो हमारे इंडियन दोस्तों को, आपके माँ बाप को पसंद आएगी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, हमारा खाने का तरीका बिल्कुल अलग है, हम इंडिपेंडेंट होकर खाना चाहते हैं और वो खाना चाहते हैं जो हमें पसंद है। और यहाँ पर थोड़ी सा लिमिटेशन बन जाती है और थोड़ा सलीके से खाना पड़ता है जब सब लोग आपके साथ बैठे हो। तो आई थिंक यू कैन अवॉइड दिस, ये वाला एक्सपेरिमेंट हमारा फेल रहा। तो ये थी टॉप places to eat in Malaysia for Indians. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा ज्वाइन बटन क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले। इसी तरीके से हमने मलेशिया घूमने की पूरी ट्रैवल गाइड बना रखी है जिसमें आपको मलेशिया की टॉप अट्रैक्शन और मलेशिया घूमने के सारे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। वो सारे इंस्ट्रक्शंस अगर आप अपनी फिंगर टिप्स पे चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अनुज बकेट की ऐप को डाउनलोड करें और वहां जाके लें हमारी मलेशिया की गाइड, जिसमें आपको मलेशिया घूमने की हर एक ट्रिक एंड टिप्स पता चलेगी, या फिर मलेशिया की टॉप प्लेसेस टू विजिट और मलेशिया की वीडियो
गाइड भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल, नमस्ते। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो